शीतकालीन सत्र से ठीक एक दिन पहले सवर्णों के लिए 10% आरक्षण सुनिश्चित करने वाली मोदी सरकार देश की जनता पर तोहफों की बरसात कर रही है। अभी कुछ ही दिन पहले मोदी सरकार ने तोहफा दिया था 99% उत्पादों पर लगने वाली GST में छूट देने का। अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने इसमें और छूट देने की तैयारी कर ली है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल की 32वीं बैठक में छोटे कारोबारियों को बहुत बड़ी राहत देने पर सहमति बनी है। व्यापारियों के लिए कंपोजिशन स्कीम की सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दी गई है, जिससे 1.5 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले निर्माताओं को बड़ा फायदा होगा। GST काउंसिल ने GST दायरे को भी बढ़ाने का काम किया है। अभी तक 20 लाख के टर्नओवर वाले कारोबारी GST के दायरे में आते थे, अब इसे बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया है। पूर्वोत्तर समेत छोटे राज्यों में जो लिमिट 10 लाख थी उसे 20 लाख कर दिया गया है। इस नए ऐलान से कई छोटे कारोबारियों को GST से मुक्ति मिल सकती है। अब इन छोटे कारोबारियों के लिए GST रजिस्ट्रेशन का झंझट नहीं रहेगा। इसके अलावा एक और बात जो इस बैठक के बाद सामने आई, जिसके हिसाब से केरल को 2 साल के लिए राज्य के अंदर बिक्री पर 1% का उपकर लगाने की अनुमति दी गई है। इन सभी फैसलों पर तो सहमति बन गई, लेकिन रियल एस्टेट और लॉटरी पर मतभेद होने के बाद इस पर विचार करने के लिए मंत्रियों का समूह बनाया गया है, जो बाद में सोच विचार कर इस पर फैसला लेगा। मोदी सरकार की तरफ से लगातार हो रही तोहफों की बारिश से लगता है कि मोदी सरकार ने आगामी लोकसभा चुनाव में जीत पक्की करने की तैयारी बहुत पहले ही शुरू कर दी थी।